बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आतिफ सुहेल और आप देख रहे हैं गुजर खान टीवी। पहले की तरह तमाम अच्छी वीडियो की मालूमात जो आपके सामने शेयर करता हूँ, ऐसी एक वीडियो आपके सामने आज लाया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको इंतहाई पसंद आएगी। तो आगे बढ़ने से पहले मैं अपने तमाम दोस्तों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मज़ीद वीडियोज़ के लिए घंटी के निशान को ज़रूर दबाएँ, जिससे ये होता है कि मेरी आने वाली हर न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहती हैं। तो नाज़रीन, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि तुर्की ने ऑफ़र की है पाकिस्तान को कि पाकिस्तानी तमाम पाकिस्तानियों को तुर्की की नेशनैलिटी दे दी जाए, तुर्की का पासपोर्ट दे दिया जाए और तमाम तुर्कियों को पाकिस्तान की नेशनैलिटी दे दी जाए। ये ऑफ़र की थी तुर्की ने, लेकिन इस पर पाकिस्तान अभी गौर व फिक्र कर रहा है। दोनों ममालिक की ख़ास तौर पर गौर व फिक्र कर रहे हैं। तो बात कर लेते हैं पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान की, जो कि सफारती महाज पर काफ़ी सारी कामयाबियां हासिल कर चुके हैं। तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कर दी है, जो कि तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान के सामने उन्होंने उनको सीपैक में अपने साथ शामिल करने की दावत दे दी है। अगर तुर्की पाकिस्तान के साथ सीपैक में शामिल हो जाता है तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी पाकिस्तान के लिए भी और तुर्की के लिए भी। इससे पाकिस्तान का बाकी तमाम ममालिक में एक नाम, एक मेयार और बढ़ेगा, जैसा कि इमरान खान इस वक्त कर रहे हैं। वो सफारती महाज पर काफ़ी कामयाबियां हासिल कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये ऑफर तैयब एर्दोगान ठुकराएंगे नहीं, बल्कि वो इस सीपैक में शमूलियत का जल्दी ऐलान कर देंगे। तो मैं ऐसी एक बहुत सारी वीडियो आपके सामने पेश करता रहता हूँ। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि ये भी वीडियो आपको इंतहाई अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह एक जल्दी ही नई वीडियो में आपसे मिलने वाला हूँ। तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।